एससी वर्मा सिंपल हार्मोनिक मोशन का न्यूमेरिकल 13। स्प्रिंग स्टोर्स 5 जूल ऑफ एनर्जी व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 25 सेंटीमीटर। इट इज केप्ट वर्टिकल विद द लोअर एंड फिक्स्ड। अ ब्लॉक फास्टन टू द अदर एंड इज मेड टू अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशंस। इफ द ब्लॉक मेक्स 5 ऑसिलेशंस ईच सेकेंड, व्हाट इज द मास ऑफ द ब्लॉक। तो इस 13 न्यूमेरिकल में एक स्प्रिंग जो दी हुई उसका लोअर एंड इज फिक्स्ड टू द सपोर्ट। इसका लोअर एंड फिक्स किया है और अदर एंड मतलब अपर एंड जो होगा वहां पे ब्लॉक को रखा हुआ है, ब्लॉक को अटैच किया हुआ है। अब ये जो ब्लॉक यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा तब ये जब उसका डिस्प्लेसमेंट 25 सेंटीमीटर होता है तब इस स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर होगी इलास्टिक एनर्जी वो होती है 5 जूल। और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जो परफॉर्म करेगा वो एक सेकेंड में 5 ऑसिलेशंस कंप्लीट कर रहा है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी होगी उसकी 5 ऑसिलेशन पर सेकेंड। तो इस डेटा से हमें बोला है कि फाइंड मास ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक का मास फाइंड करना है। तो ब्लॉक का मास जो आता है वो फॉर्मूला हमें पता है कि टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2π√m/k। तो अगर बाकी सब टर्म्स नो है तो हम यहाँ से इस फॉर्मूला को यूज करके मास फाइंड कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड नहीं, लेकिन यहाँ पे कहा है कि 5 ऑसिलेशन पर सेकेंड, मतलब ये फ्रीक्वेंसी होगी 5 नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। मतलब ये हमें अगर फ्रीक्वेंसी दी है 5 तो टाइम पीरियड क्या होता है 1/फ्रीक्वेंसी, मतलब एन लिखा अगर तो ये 1/5 होगा टाइम पीरियड। तो ये यहाँ पे रख देते तो 1/5 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2π√m जो फाइंड करना है, और के भी नहीं है इसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे पहले के फाइंड करना पड़ेगा फिर इस फॉर्मूला से हम मास फाइंड कर सकते हैं। अब के फाइंड करने के लिए क्या डेटा देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे कहा है कि इतनी एनर्जी इलास्टिक एनर्जी स्टोर होती है इतने डिस्प्लेसमेंट के बाद। हमें ई का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 kx². तो पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है 5 इज इक्वल टू 1/2 k पता नहीं और के एक्स बताया है, एक्स कितना बताया है 25 सेंटीमीटर पर, मतलब 25 इसका स्क्वायर है तो 25 × 25 और 25 मीटर में करेंगे तो 10⁻², इसे दो बार करना है तो -4। अब ये 5 अब ये हमें k फाइंड करना है तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गए तो ये 10 होगा और बाकी सब टर्म यहाँ पे डिवाइड होगी 25 × 25 × 10⁻⁴ इज इक्वल टू आएगा k। तो यहाँ पे k की वैल्यू हमें मिल k इज इक्वल टू 10, ये -4 ऊपर चले गए तो 10⁻⁴ प्लस 4 डिवाइडेड बाय 25 × 25। इस 12 4 को कैसे लिख सकते हैं, 100 × 100, ये 100 × 100 मतलब 25 4 और 25 4, तो k की वैल्यू कितनी मिल रही है, 4 4 16 और ये 160 Nm/m। तो k मिल गया और m फाइंड करना है तो अभी एक क्वेश्चन से हम मास फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रॉम 1 क्या मिलेगा, 1/5 इज इक्वल टू 2π√m और k की वैल्यू लिखनी है अभी 160। तो अभी ये अंडर रूट में जो टर्म है उससे यूज करना है, मतलब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वेयरिंग करते बोथ साइड्स तो ये आएगी 1/25 इज इक्वल टू 8 × 4 और ये π² और ये आएगा m/160। m फाइंड करना है तो इसे इस साइड में भेज देते 160 डिवाइडेड बाय 25, ये 4 इधर आ जाएंगे और ये π² भी इधर आ जाएगा इज इक्वल टू रहेगा m। अब 25 × 4 ये होगा 100, तो ये मास m इज इक्वल टू ये हो गया 100 और 100 और ये π² भी 10 लिखेंगे तो ये 160 और ये 100 और ये π² की वैल्यू भी होती है 10। तो इस तरह से यहाँ पे
मास हमें मिल रहा है ये जीरो इधर का है, और ये 20 मतलब 2 decimal यहाँ पे देने, इतना kg, इतना ये होगा मास। जैसे ग्राम में लिखेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 160 ग्राम, ये होगा मास ऑफ द ब्लॉक।